हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फिलहाल के लिए आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक नई वैकेंसी आपकी आई हुई है, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होने वाली है। और पोस्ट की बात करें, 29 पोस्ट टोटल आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है और आपका पे लेवल क्या होने वाला है। तो जो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि आपका जो पोस्ट होने वाला है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होने वाली है और पे लेवल आपका सेकंड होने वाला है, 19,900 से लेके आपका 63,200 तक का आपका पे लेवल होने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 9 पोस्ट हैं, एससी में 4 पोस्ट हैं, एसटी में आपके 2 पोस्ट हैं, ओबीसी में आपके 8 पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। फिर आता है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, तो इसमें आपके 3 पोस्ट और 2 वीआई के हो गए, 1 एलडी के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप वाले की बात करी जा रही है, 29 आपके टोटल पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और द कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी दैट इज अनरिजर्व एस सी एस टी मे बी अप्लाई फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी यानी वीएल एलडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो और सारी जानकारियां हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं, और क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला, एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, सारी चीजों को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आपका यूसीएमएस जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होने वाली है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यानी कि 18 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और कब तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, 9 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। ठीक है, इस बीच आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फीस पेमेंट का लास्ट डेट वही आपका 9 अक्टूबर होने वाला है, और इसका अभी कोई एग्जाम डेट रिलीज नहीं किया गया है। जब भी एग्जाम डेट रिलीज होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले ही रिलीज हो जाता है, जैसे कि 4 से 5 दिन पहले आपका क्या है, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। तो बात आती है भाई एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी हमारे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उनको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 पे करने होंगे। हमारे जो भी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको 0 रुपीज़ पे करने होंगे, यानी एक भी पैसे उनको नहीं पे करने होंगे। ठीक, और सभी हमारे फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगी, चाहे जिस भी कैटेगरी के हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 0 रुपीज़ पे करने होंगे। और आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और आपका फिर हो जाता है नेट बैंकिंग, यूपीआई, और यूपीआई के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका एज लिमिट क्राइटेरिया। एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में हमने ऑलरेडी बताया था कि एज लिमिट क्राइटेरिया आपके क्या होने वाली है। एज लिमिट हमारा मिनिमम कोई डिसाइड नहीं, मैक्सिमम आपका डिसाइड है 27 साल। ठीक है, आपका मैक्सिमम 27 ईयर रखा है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो हमारे ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जा रहा है, हमारी एससी और एसटी को क्या है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और वैकेंसी टोटल पोस्ट की बात करें तो हमारे पास टोटल पोस्ट 29 पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की तो 29 पोस्ट आपके देखने को मिल जा रही है। और यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज आप मेडिकल साइंस यानी यूसीएमएस जूनियर असिस्टेंट एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 10th मांगा जा रहा है, यानी आप 12th आप पास आउट किए रहेंगे, यानी 10+2 प्लस आपको इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, यानी 12th के बाद 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तब जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करिएगा। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो आपको कैटेगरी वाइज हमने ऑलरेडी बता रखा हुआ है, आपके सामने है। तो फिलहाल के लिए आपके चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन आपका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 पन्ने का है, जिसमें हमने आपके पोस्ट का नाम बता दिया, आपका पे लेवल कितने होने वाला था जो कि 19,900 से लेके 63,200 तक का आपका पे लेवल होने वाला था। और यहाँ पे ग्रुप सी यानी मिनिस्ट्रियल की बात करी जा रही है, और एज लिमिट क्राइटेरिया आपका मैक्सिमम जो था 27 साल था। ठीक है, और इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने बता दिया कि आपका 12th होना चाहिए प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको आना ही चाहिए। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फीस के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कितनी फीस लगने वाली है जो कि आपके और फिर हमने एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बता दिया था कि एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जा रहा है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का मिल जा रहा है, हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होंगे 10 साल का मिल जा रहा है,
ठीक है। और PWD में वो भी आपके OBC NCL के जो रहेंगे उनको 13 साल का मिल जाएगा, ठीक है, और SC ST वालों को 15 साल का मिल जाएगा, और एक सर्विसमैन को जो होगा वो भी उनको 5 साल का दे दिया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर बात करते हैं और एक बार आपके नोटिफिकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा जाए, तो नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म फिलिंग के वक्त क्या क्या लगने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट लग सकता है, प्लस आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आता है आपका 12th का मार्कशीट, जो यानी कि 12th का मार्कशीट होगा, और कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने और कोई क्वालिफिकेशन कर रखा हुआ है उसका लग जाएगा। SC ST और OBC और EWS वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, अगर आप अप्लीकेबल हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो PWBD कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट लगने वाला है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट इम्प्लॉय इफ अप्लीकेबल, यानी आपने कहीं अगर इम्प्लॉयमेंट है इम्प्लॉयड है तो वहाँ का भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC चाहिए ही चाहिए होती है। फिर आते ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा, और एनी अदर सर्टिफिकेट होगा उसको भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी CV मेंटेन हो जाएगी, तो उससे आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और नोटिफिकेशन में सारी चीजें दी गई हुई हैं, और ये नॉन टीचिंग का आपका पोस्ट होने वाला है, तो आप इसको अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। अगर फिलहाल के लिए आपको फॉर्म फिलिंग में मैं पूरी मदद करने वाला हूं, तो कुछ इस तरीके से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद हमने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलने वाला है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा है, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो अगर एक बार डाउनलोड करके देखते हैं अगर क्या है इसमें, तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था स्कीम के बारे में जानेंगे, यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके रिटन टेस्ट हो गए, जिसमें कि आपके पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड टोटल 300 मार्क के होने वाले हैं। जो पेपर फर्स्ट होगा MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं 200 नंबर के, ठीक है। फिर एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा पार्ट सेकंड में, जिसमें कि आपको एक 1.5 आवर की दी जा रही है, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको कितने 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके होने वाले हैं, यानी टोटल 300 नंबर के आपके पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ सिलेबस क्या रहेगा आपके, वही आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंपोनेंट रिटन टेस्ट, इट्स सिलेबस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट इक्विवेलेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही हैं। और फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो भी हमारे हैंडीकैप कैंडिडेट रहेंगे, ठीक। और टेस्ट कंपटीशन कंपटीशन की बात करें, यानी टेस्ट पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाने वाला है, पेपर फर्स्ट में आपका क्या क्या पूछा जाने वाला है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबर के, जनरल अवेलिटी से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल अवेलिटी से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी की बात करें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके पेपर फर्स्ट में आने वाले हैं, ये पेपर फर्स्ट में आपके पूछे जाने वाला है। पेपर सेकंड की बात करें, वही एसे कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग आने वाला है, जो कि 100 नंबर के आपके होंगे, 1 घंटे का आपको, यानी कि 1.5 घंटे दिया है, 1 घंटे 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और स्किल वालों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और सिलेबस की बात करें, वही सिलेबस आपके लॉन्ग फॉर्मेट है, सिलेबस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप एक बार सिलेबस जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस देखने को मिल जा रहा है, वही आपका 12th लेवल तक सारी चीजें आने वाली है, प्रॉफिट लॉस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी होगी, मैथमेटिक्स एबिलिटी हो गई, इंग्लिश एंड हिंदी टेस्ट हो गया, सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाने वाली है। तो फिलहाल के लिए अगर अब आते हैं आपके कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करी जा रही है, फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड की बात करी जा रही है, तो सिंपली आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट खुल के आने वाला है। जैसे ही ये खुल के आ जाए, तो आप यहाँ पे ईमेल आए और पासवर्ड डालेंगे, फिर री इंटर पासवर्ड डालेंगे, फिर अप्लीकेंट नेम जो आपका नाम रहेगा उसको पूरा डिटेल में डालने वाले हैं, फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साइड में आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है, फिल आउट द न्यू अकाउंट फ्रॉम योर डिटेल,
पासवर्ड शुड बी, यानी पासवर्ड बनाना है आपको, क्लिक रजिस्ट्रेशन बटन पे। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विल बी लॉग इन टू योर सिस्टम, यानी जब आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ आपके डिटेल को फिल करना है। नेक्स्ट प्रोसीड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट खुलता जाएगा। वहाँ पे सारा अपना डेटा डालते जाइएगा, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। प्लस आपको फीस जो पेमेंट करना होगा हमारे जनरल ओबीसी के लिए, वो पे करेंगे अपना। उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आप उसको एक बार डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और सेपरेट एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू ईच पोस्ट फॉर सेपरेट एप्लीकेशन, यानी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग, आपके एक ही पोस्ट ही है तो भाई एक ही पोस्ट के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आप एक बार जाइए फॉर्म को फिल करिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, आपके नोटिफिकेशन का लिंक, आपके सिलेबस का लिंक, आप कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, वो सारा लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। आप आसान तरीके से जाके उसको रजिस्टर कर पाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूर्णतः मदद करने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।